अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये क्या हुआ है? क्या मेरा मोबाइल फोन हैक? तो दोस्तों आपके साथ भी दोस्तों ये हो सकता है कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन है कि आपका जीमेल का, ईमेल का, व्हाट्सएप का, सॉरी व्हाट्सएप का तो पासवर्ड नहीं होता है, आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो चुका है चेंज, पासवर्ड हो चुका है दोस्तों वो हैक। तो इनसे बचने के लिए, अपने मोबाइल को दोस्तों प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। टिप्स बताऊँगा जो काफ़ी दोस्तों काम के, और मेरा फ़ोन भी दोस्तों हैक होते होते बचा, हुआ नहीं हो गया पूरा। उसके बाद मैंने कैसे उसे ठीक किया वो उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन की हैकिंग दोस्तों वो सिर्फ एक दो तरीके से हो सकती है, इसके सिवा ज़्यादा कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। पहली बार दोस्तों जो मेन जो सोर्स है जहाँ से आपका मोबाइल फ़ोन हैक होता है, क्यों होता है, सबसे पहले बात करते हैं हैकर लोगों की ज़रूरत क्या है कि आपके फ़ोन को हैक करने की, यानी वो कुछ और भी काम कर सकते हैं लीगल तौर पे पैसा वगैरह कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन हैकिंग ही क्यों करता है, आपने कभी सोचा होगा? मज़े के लिए, लेकिन हैकिंग करना तो बच्चों का खेल नहीं है जो मज़े के लिए करेंगे। तो हैकिंग दोस्तों वो इसलिए करते हैं, जो आपका पर्सनल डेटा वगैरह होता है वो दूसरी कंपनी को वगैरह बेचते हैं, ठीक है, वहाँ से ब्लैकमेल वगैरह कुछ ऐसा आ जाता है, इसकी वजह से उनको मोटा कमाई हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से दोस्तों वो आपके मोबाइल फ़ोन को हैक करते हैं, आपका जीमेल ईमेल का जो पासवर्ड वगैरह था उनको ले लेते हैं, उनको बेच देते हैं उनके अकाउंट्स को। तो इसी तरीके से हैकर लोग पैसा कमाते हैं जो एकदम इलीगल बात है, ठीक है। तो इनसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई मछली को जाल में लपेटने के लिए उसको एक चारा डालना पड़ता है, उसी तरीके से हैकर्स लोग आपको चारा डालते हैं। वो चारा होता है एक ऐप। अब ये ऐप होता है किसी ऐप का मोड वर्जन, जैसे कि प्ले स्टोर पर कोई ऐप पेड है, जैसे कि एक गेम है GTA San Andreas, ठीक है, वो प्ले स्टोर पर महंगी है 1-2 रुपये की। आप सोचेंगे कौन देगा, छोड़ो यार, कहीं और से अननोन सोर्स से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। आप जाते हैं गूगल पर सर्च करते हैं, आपको वेबसाइट मिल जाती है, आप डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, मज़े से खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐड नहीं आता, और आप बोलते हैं वाह भाई काम हो गया। अगर आपको ट्रस्टेबल सोर्स से को ट्रस्ट आप कर सकते हैं, जिस सोर्स से आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन कुछ आप ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं जिसका आपको कुछ नहीं पता कि वेबसाइट कब से है, कब बनी थी, और आप डायरेक्ट जाके उसे डाउनलोड कर लेते हैं, जो काफ़ी वेबसाइट अभी यूट्यूब पे, सॉरी, आपको मिल जाती है गूगल पर, ठीक है ना। तो इन सबसे खतरा ये होता है कि उस ऐप जो मोड किया गया है, ये सब जो ऐप्स होते हैं इनमें दोस्तों वो स्पाईवेयर कोड्स होते हैं, आपका मलेशियस, आपका जो फाइल वगैरह ये सब डाला जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन का जितना भी एक्सेस होता है वो आपसे हट कर डायरेक्ट चल जाता है उस हैकर के पास इंटरनेट के ज़रिए। और वह हैकिंग टूल की मदद से आपके फ़ोन को पूरी तरीके से रिमोटली कंट्रोल कर सकता है, आपका कैमरा को एक्सेस कर सकता है, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, आप जितने टेक्स्ट आ रहे हैं आपके पास, जो आता है ईमेल वगैरह, जितनी भी चीज़ें दोस्तों वो सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। तो इस सबसे बचा कैसे जाए दोस्तों, तो जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है तो आपको कुछ तरीके पता चल जाए कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं। उसका जो सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो ये होता है कि आपकी बैटरी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जाने लगेगी। ऐसे आप नॉर्मल फ़ोन को रख देते हैं ऐसे 50% में, और 5-10 घंटा बाद आके आप देखते हैं, 10 घंटे नहीं, 1-2 घंटे बाद आके देखते हैं आप कि कितनी बैटरी बची है, और आप देखते हैं यार 45 हो गया, 40 हो गया, 10% इतना घट रहा है, यानी समझ लो कुछ ना कुछ डाटा ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है, तभी इसमें बैटरी दोस्तों वो यूज़ हो रही है। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन एड्स वगैरह ये सब भी दोस्तों आने शुरू हो जाएंगे, और आपके मोबाइल में कुछ ऐसी ऐप जो है वो यूज़ की गई है। तो ये एक तरीका होता है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चलता यार, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका बता दिया बैटरी के यूज़ से। लेकिन अगर आपकी बैटरी नॉर्मल ऐसी कुछ उसमें प्रॉब्लम है जो घटती रहती है, तो आपको घंटा कुछ पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। तो आप समझ गए दोस्तों हैकिंग करने से क्या फ़ायदा होता है हैकर्स को, वो आपकी प्राइवेसी को कितना खतरनाक नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अब बात की जाए थोड़ी सी कि इससे बचा कैसे जाए भाई साहब। तो सबसे पहले बात मैं बोलूँगा, जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल फ़ोन में हैं जो आपने अननोन सोर्स से डाउनलोड किया है, इज्जत से जाके उनको अनइंस्टॉल कर दो, वरना रिस्क पूरा आपके ऊपर। और अगर आपने प्ले स्टोर से भी कोई ऐप डाउनलोड की है तो सबसे पहले उसकी परमिशन पर जाके चेक करो कि वो ऐप जिसके लिए वो बनी है वही परमिशन ले रही है, और अगर नहीं उसके लिए वो है तो उसे डिसेबल कर दो। जैसे कुछ होता है ना ऐप, जैसे कि एक ओपन कैमरा है, ठीक है, तो इसको कैमरा की चाहिए होगी, ऑडियो की है जो होती है परमिशन चाहिए होगी, तो हम इसे सिंपल दे दें कि इसके बिना वो काम नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ये मांगेगा मुझसे मेरा ईमेल्स का, ये सब मांगेगा, क्या नाम बोलते हैं, आपका कॉन्टैक्ट्स का परमिशन मांगता है, आपके मैसेजेस का मांगेगा, ये सब मांगे तो घंटा मत दो उसको, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे आपको टिप्स दे देता हूँ, जैसे कि आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम उसे अलाउ कर दो, इस्तेमाल ख़त्म हुआ डायरेक्ट जाके उसे डिसेबल कर दो,
प्ले स्टोर का जो ऐप स्केल बता रहा हूँ। अब बाहर से डाउनलोड करते हो तो डिसेबल ही रखो यार उसको, अगर आप यूज़ भी करते हो तब भी जाके उसे इनेबल करो, वरना यहाँ पे आपके प्राइवेसी को बहुत तगड़ा नुकसान दोस्तों वो हो सकता है। तो ये कुछ दोस्तों वो तरीके होते हैं जिसकी वजह से हैकर जो दोस्तों होते हैं वो आपके फ़ोन को बड़े आराम से दोस्तों वो हैक कर सकते हैं। अब बात करें मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फ़ोन जब हैक हुआ था मैंने उसे कैसे ठीक किया था, तो मामला पानी ऐसा हुआ था कि मैं जब उतना इतने बारे में नहीं जानता था कि हैकिंग क्या होता है ये सब होता है, आप लोग की तरह ही मैं भी बहुत सारे मोड्स जो होता है मिनी मलेशिया का मोड्स डाउनलोड कर लेता था जिसमें अनलिमिटेड हेल्थ वगैरह ये सब गेम होता है, तो बहुत सारे मोड से लकी पैचर ये सब जो ऐप्स वगैरह थे जिसको इस ऐप को पैच किया जाता है, सबवे सर्फर जो होता था उसमें अनलिमिटेड कॉइन मिल जाता था, तो ये सब चीज़ें करने में दोस्तों बहुत मज़ा आता है शुरुआत में जब आपको कुछ नहीं पता हो। मैं समझता सब तो सेफ है क्या होने वाला है, ठीक ये सब कर रहा था, तब मेरे मोबाइल फ़ोन में एक प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम क्या थी, गैलरी खोलता हूँ मैं, वीडियो खोलता हूँ तो वहाँ एक 5 सेकंड का ऐड आ जाता यार, क्या पता ओपन करने के लिए 5 सेकंड का। मैं सोचा था पहले जब मैंने मोबाइल लिया था ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब ये क्या हो रहा नहीं पता, ठीक है इस सब होने का बैटरी बहुत जल्दी जाने लगी। और एक दिन मुझे पता चला भाई साहब, अचानक से मैं चला रहा था अचानक से कुछ लोड होने लगा, स्क्रीन पे एरर आने लगा, मैं समझ गया था उस टाइम तक कि ये सब हैकिंग वगैरह क्या होता है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, मतलब कौन करेगा यार यहाँ पे, लेकिन अचानक से कुछ लोड होने लगा। भैया मैं दिमाग का बत्ती जहाँ से ले रहा कुछ तो यहाँ पर फाइल वगैरह ट्रांसफ़र हो रहा है, मैंने डायरेक्ट किया उसको स्विच ऑफ, उसके बाद दोस्तों मैंने उसे हार्ड रिसेट किया बिना वापस से स्विच ऑन किए हुए। तो हार्ड रिसेट ऐसे होता है कि आपको ये फ़ोन के दो बटन दाब के कुछ ऑप्शन आते हैं वहाँ पर सेलेक्ट करके करना पड़ता है जो यूट्यूब पर देख लो आप, ठीक है ना, तो उस तरीके से मैंने हार्ड रिसेट किया उसे जितने भी अंदर का कचरा सब निकल जाता है, और उसके बाद से वापस से मैंने यूज़ किया, उसके बाद से मैंने तौबा कर लिया भैया बाहर की कोई भी ऐप मैं उसके बाद से यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी तक, प्ले स्टोर से यूज़ करता हूँ यार, अगर कुछ काम की पड़ती है परमिशन दो परमिशन हटा दो तो बस यही काम है। मेन जो यहाँ पे खेला है ना दोस्तों वो है इंटरनेट का परमिशन का बस, ठीक है ना, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो वो फाइल कहीं और जा ही नहीं पाएगा, वो वीडियो कहीं और जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, इसी वजह से सबसे अच्छा काम होता है आपका ज़रूरत है इंटरनेट ऑन करो, ज़रूरत नहीं इंटरनेट को ऑफ ही रहने दो। बहुत बंदे होते हैं हमारा इंटरनेट हमेशा खुला हुआ रहता है क्योंकि जियो तो फिर क्योंकि जियो का वैसा था 1 GB मिलता है इसीलिए खुला हुआ रखता है, आपको वो दिन याद होगा जब इंटरनेट बहुत महंगा था एयरटेल के ज़माने, ठीक है ना, जो आपको कितना 50 रुपये में किसी पोर्ट सिर्फ कितना 20-35 MB मिला करता था, मैं भी रिचार्ज करा था मुझे पता है, ठीक है, तो उस टाइम में कोई नेट खुला नहीं छोड़ता था, सब बंद करके रखते हैं, तो वो काम अभी भी कर लो काफ़ी नेट बच जाएगा, जो नोटिफिकेशन ये सब आते रहते तो उसमें भी MB तो है वो कट जाता है, ठीक है ना, तो ये काम दोस्तों आपको पहले करना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि आपको दोस्तों इंटरनेट को ऑफर करना है, अब आते हैं परमिशन से ऊपर, परमिशन पर जैसे मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो आपको वही करना है, सब परमिशन को अलाउ नहीं करना है, कुछ मत करो अलाउ, आप जैसे ओपन कैमरा यूज़ करते हो जैसे ही आपने ओपन किया तो परमिशन मांगते हैं एक बार अलाउ कर दो, रिकॉर्ड खत्म हो गया, बंद कर देते ऐप, परमिशन जाके ऑफ कर दो। बिना परमिशन के मेरे ख्याल से एंड्रॉयड का जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से अगर आप उसे परमिशन नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, ये बात तो हम देखते हैं, लेकिन अंदर की बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है और वो बस दिखलाने के लिए आपको परमिशन ले रहा है ऐसा कुछ है इसीलिए मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम हमेशा दोस्तों यही करते हैं कि परमिशन को बंद कर देते हैं इस्तेमाल के दोस्तों वो बाद, ये ठीक करना है। और दोस्तों बाहर की ऐप्स को टाटा बाय बाय कर दो यार, कितने एकदम काम रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन हैक होता है, और कंप्यूटर्स में भी सेम काम होता है ऐसा कि कंप्यूटर्स में कोई ऐप को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है बस उसमें काम तमाम हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स का आपने केस सुना होगा जिनको एक कंपनी आती है ईमेल करती है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर इसका रिव्यू कर दो, जो नॉर्मल होता है वो उसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे इंस्टॉल करते हैं काम तमाम कर देता है वो, पूरा का पूरा आपका ID पासवर्ड सब ले लेता है वो यूट्यूब का, ठीक है, ऐसा बहुत दोस्तों केस हुआ है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनका भी हैक हो जाता है क्योंकि वो इंस्टॉल करते हैं उनका जो कंप्यूटर से लॉगिन हुआ रहता है उनका यूट्यूब वगैरह, ठीक है, उसका पासवर्ड वगैरह रहते हैं तो वो से उसके पास चल जाता है, वो लॉगिन कर लेता है और मेन आपको ही ये हटा देता है वहाँ से, पासवर्ड चेंज कर लेगा, आप समझ सकते हैं दोस्तों वो क्या क्या दोस्तों यहाँ पर वो कर सकता है। तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर को सबसे अच्छा सेफ रखने का तरीका होता है वहाँ पर, ज़्यादातर लोग बाहर से ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो उसका अच्छा तरीका है अच्छा सा एंटीवायरस हमेशा अपने कंप्यूटर पे रखो, मोबाइल फ़ोन पे दोस्तों वो रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर से ज़्यादातर ऐप्स को यूज़ करते हैं, मैं जो टिप्स बता रहा हूँ टिप्स को अगर दोस्तों आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल फ़ोन को दोस्तों वो है ना कोई एंटीवायरस अलग से लगाने का मत लगा रहे उसमें बस ID आते रहते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में और दोस्तों बस यही होता है। और आप अगर सोचते हैं कि नहीं उससे तो हमारा रैम बूस्ट हो जाता है ये हो जाता है,
तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस आपके बैकग्राउंड की जितनी भी चीज़ें होती है वो सबको हटा देता है, जिससे दोस्तों ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन को दोस्तों सिक्योर कर सकते हैं। वैसे इंटरनेट पर कुछ भी सेफ नहीं होता है, आपकी प्राइवेसी गूगल के पास रहती है, आप क्या सर्च कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आपको एड्स आते हैं। आप गौर क्यों, तो प्राइवेसी नाम को इंटरनेट पर कुछ है नहीं, लेकिन जिनके हाथ में थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते कि वहाँ से कोई भी डाटा दोस्तों वो लीक नहीं होगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना ये सब? हाँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस हो गया। लेकिन ये वीडियो आने हो गई थी थोड़ी सी लेट, कैसी लगी ये वीडियो बताइए कमेंट्स में। तो वीडियो आने में लेट इसीलिए हो गई है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ आज से हर हफ्ते चैनल पे 3 वीडियो आने वाली है। 3 से ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन 3 से कम वीडियो दोस्तों चैनल पर नहीं आएगी। इसीलिए आने वाले इसी खतरनाक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को भी बजा दो, लाइक कर दो वीडियो को। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।